प्रदेश के जहाँ सिंकिंग और स्लाइडिंग जोन है, उस संदर्भ में डिप्टी कमिश्नर से भी बात की है। उन्होंने पूछा है कि जो सीमेंट जैसी घटना हिमाचल प्रदेश में आने वाले वर्षों में होने की कोई भाई थोड़ा पीछे नहीं है। सर भारत जोड़ो यात्रा जो है 19 तारीख को होने जा रही है, कितने किलोमीटर का डिस्टेंस रहेगा सर? क्या जोड़ रहेगा सर, कब तक सरकार रहेगी? भारत जोड़ो यात्रा में मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमारा अनुरोध को स्वीकार किया और तकरीबन 23 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो हिमाचल में पड़ता है, उस यात्रा में वो शामिल होंगे। और 18 तारीख को ये यात्रा सुबह 6:30 बजे शुरू होगी और 23 किलोमीटर की हम सब लोग उसमें जो क्षमता रखते हैं वो सब लोग इस भारत जोड़ो नफरत छोड़ो यात्रा सर। राहुल गांधी ने विशेष तौर पर ट्वीट करके ये चीज कही है देखिए कैबिनेट ने फैसला कर दिया है ना, और कैबिनेट के फैसले के बाद नोटिफिकेशन हो जाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। अभी एक महीना हमारी सरकार को हुआ है, हमने 1500 रुपये के लिए जो अपनी महिलाएं हैं जिसमें आप भी आती हैं, हम उनको सबको मासिक पेंशन के लिए एक कमेटी का गठन किया है, उस गठन के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं। पिछली सरकार ऐसी सरकार थी जिसने 11,000 करोड़ तो सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों का देना है, 75,000 करोड़ का कर्ज है, 900 संस्थान अगर हम खोल देते तो 5,000 करोड़ कर्ज और लगा देते। तो इस सरकार पिछली सरकार ने हमारे हिमाचल प्रदेश को कर्जे के बोझ के नीचे और सरकारी कर्मचारी और पेंशनरों के कर्जे के बोझ के नीचे दबा रखा है, इससे निकलना है। इस वस्तु स्थिति से हम दिन रात मेहनत करके कोशिश कर रहे हैं कैसे लोगों पर भी ज्यादा पहुंचना पड़े और हमारा जो कार्य काम है वो सही दिशा से सही दृष्टिकोण से आगे बढ़े। हम कार्य कर रहे हैं, जल्दी ही हम और जो हमने गारंटी योजना है उनको अमली जामा पहनाएंगे। आप पाएं अपने हिमाचल की खबरें और न्यूज अपडेट्स व्हाट्सएप पर। लोकल लाइव हिमाचल का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक पर क्लिक करें। न्यूज़ अपडेट अपने व्हाट्सएप पर।